उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में वकीलों पर पुलिस लाठी चार्ज की घटना के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट व जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने कामकाज बंद कर हड़ताल किया। बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे वकीलों का जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को पत्र सौंपकर पूर्ण समर्थन दिया। कचहरी परिसर में वकीलों के प्रदर्शन दौरान पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव पास कर वकीलों के आंदोलन को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। गंगापा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेश यादव ने बताया कि पार्टी की रणनीति के अनुसार अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ी जाएगी। जिला उपाध्यक्ष अधिवक्ता रईस अहमद ने कहा कि वकीलों के ऊपर की गई पुलिस की बर्बरता से लोगों में आक्रोश है। पार्टी के जिला प्रवक्ता हसीब अहमद ने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों को सरकार निलंबन की कार्रवाई अविलंब करे। कांग्रेसियों ने एक स्वर में कहा कि हापुड़ पुलिस द्वारा जिला न्यायालय के महिला एवं पुरुष अधिवक्ताओं पर बर्बरता से किए गए लाठी चार्ज के विरोध में पिछले 12 दिनों से चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल खत्म कराने का भाजपा सरकार तत्काल बात कर सौहार्दपूर्ण रास्ता निकाले। इस दौरान अधिवक्ता रमाकांत त्रिपाठी, एहतेशाम अहमद, सुनील यादव, आर शून्य के शून्य पटेल, उमेश मिश्रा, रमेश वर्मा, गोविंद लाल पांडेय, मनोज पासी, रजनीश विश्रामदास, परवेज अशफाक सिद्दीकी, प्रभाकांत त्रिपाठी, भानु कुशवाहा, मौ शून्य हसीन, शकील अहमद समेत आदि लोग मौजूद रहे।